बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में हर तरह की वनस्पतियाँ सब जगह पर हो रही है और ख़ास करके ये जो है भूमि आंवला, इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। इसकी पहचान तो सबको पता है कि ये पत्ते के नीचे इस तरह के इसमें आंवले लगते हैं और ये आयुर्वेद की एक महान वनस्पति, एक खरपतवार है। ये आपके घर के आसपास भी आप देखेंगे तो ये आसानी से मिल जाएगा। ये जैसे ये देख पा रहे हैं, ये छोटा है, इसमें ये दूसरा मैं दिखाऊं तो ये देखिए ये कितना बड़ा है। ये तकरीबन 1 फुट का है। किसी ने इसको, बंदर ने इसको तोड़ दिया है। बंदर भी इसे काफ़ी खाता है और इसमें बहुत सारी भिन्नता होती है। मैं ये खास इसमें टेक्निकलिटीज समझाना चाहता हूँ। इसका पत्ता देखिए कितना लंबा है, तो और ये तकरीबन 6 इंच जितना लंबा है। और इसमें टेस्ट में भी अलग अलग भूमि आंवलाओं में बहुत सारा अंतर होता है। कुछ कुछ भूमि आंवला आपको फीके टेस्ट में नज़र आएंगे और उनके पत्ते भी छोटे होंगे, और कुछ कुछ के पत्ते छोटे होते हैं लेकिन टेस्ट में वो बड़े तेज़ होते हैं। और स्पेशली जैसे बरसात का मौसम चले जाता है और वनस्पतियाँ सूखने लगती हैं, तब अगर आप इसके पत्ते खाएंगे तो मैं क्या बताऊँ ये कितना तेज़ होता है। तो काफ़ी लोग मुझे इसके डोसेज के बारे में पूछते हैं, तो इसका कोई पक्का डोज बताया नहीं जा सकता है। एक पत्ता खाइए, इससे शुरुआत कीजिए आप, क्योंकि इस तरह तरह के भूमि आंवला होते हैं और तरह तरह के उनके कोई फीके होंगे, कोई बड़े तेज़ होंगे, किसी के पत्ते लंबे होंगे, तो वो क्वांटिटी में, एक पत्ता बोलूं तो भी वो क्वांटिटी में ज़्यादा हो सकता है। किसी किसी के पत्ते छोटे होते हैं, कोई लाल कहीं लाल भूमि आंवला भी मिलता है, कहीं पे भूमि आंवला एक ऐसे होता है जिसमें कि ये आंवले जो हैं वो एक डंडी निकलती है और फिर आंवला लगता है, वो भी एक अलग प्रजाति है। तो इसमें बहुत सारे वेरिएशन्स आते हैं और भी काफ़ी, जहाँ अलग अलग जंगलों में मैं घूमा हूँ और अलग अलग भूमि आंवला मैंने देखे हैं। इसमें एक्चुअली सब प्रजातियाँ भी बहुत सारी आती हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वनस्पति है। आयुर्वेद में इसे मधुर, कटु और कषाय बताया गया है। मधुर ऐसे मुझे ये खाने से लगता तो है नहीं, लेकिन एक तरह से खाने के बाद आप अगर महसूस करें तो इसमें एक थोड़ा सा मीठा टेस्ट जैसा भी होता है। तो आयुर्वेद ने इसको जो कड़वा और कसेला और थोड़ा सा मीठा बताया है और इसे रुचिकारक बताया गया है। तो ये खाना, जिसे खाने की खाने में दिक्कत होती है, खाने का मन नहीं होता है, तो ये रुचि को बढ़ाता है। तो ये और दीपन है, तो ये डाइजेस्टिव फायर को भी बढ़ाता है, और ये पाचक है, तो ये जो भी खाया है उसे पचाने में भी मदद करता है। और ये एक इसमें भेदन प्रॉपर्टी भी होती है, तो ये जैसे किडनी के पत्थरी को भी ये तोड़ता है, तो इसलिए इसे स्टोन क्रशर भी कहा जाता है। और ये च्यवनप्राश में भी पड़ता है, च्यवनप्राश में जिससे जैसे कि 50 से भी ज़्यादा वनस्पतियाँ पड़ती हैं, उसमें ये भूमि आंवला भी, पुनर्नवा भूमि आंवला, ये सब डलते हैं उसमें। इसलिए च्यवनप्राश खाना रेगुलरली बहुत ज़रूरी है। और ये इतनी दिव्य वनस्पति है, ऊपर से अगर मैं शुरुआत करूँ तो ये ओरल हाइजीन के लिए एकदम रामबाण है। अगर किसी को दांतों की सड़न की परेशानी है या फिर सूज जाती है, मसूड़े सूज जाते हैं उसमें से पस निकलता है, या पायोरिया की समस्या है, हर तरह के डेंटल इश्यूज में ये बहुत ही, ओरल हाइजीन के रिलेटेड कुछ भी परेशानियां हैं उसमें ये एकदम रामबाण है। आपको कुछ नहीं करना है, इसकी कुछ पत्तियां आपको तोड़नी है और पत्तियां चबाते रहना है और बाद में थूक देना है। इतना भी अगर आप करते हैं तो ये ज़बरदस्त कीटाणुनाशक भी है, ये भी इसकी एक खास खूबी है।
और ये मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो ये सारे क्या करेगा, मसूलों में जो भी दांतों में कीड़े हैं उसको मार देगा, मुंह को एकदम डिसइंफेक्ट कर देगा, और ये जो मसूलों की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएगा, तो मसूलों को एक ताकत देता है और साफ भी कर देता है। तो ये मुंह के छालों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, और ये खास करके पेट के सारे विकार भी दूर करता है। तो अगर खास करके पेट में अल्सर होता है लोगों को, एसिडिटी से परेशान होते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये हर तरह के पेट के कीड़े क्यों ना हो, अरुचि क्यों ना हो, खाने पचाने में भी ये मदद करता है। तो ये हर तरह के पेट के विकारों में ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये चर्म विकार भी दूर करता है, किसी को भी किसी भी तरह का चर्म विकार क्यों ना हो, इसमें भूमि आंवला का सेवन करने से, दूसरे वनस्पतियों के साथ आप इसका सेवन कीजिए तो ज़बरदस्त लाभ होता है। और इसके अलावा ये खास करके इतना दिव्य है कि ये लीवर और किडनी, खास करके किडनी की पथरी में ये काम करता है, और खास करके लीवर में ये एकदम ही रामबाण है। अगर किसी को शराब पीने की आदत है और उससे लीवर डैमेज हो गया है, या फैटी लीवर की भी समस्या है, तो उसमें भी कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये जैसे एसटीडीज हो गए हों, और ये यौन समस्याएं हैं और यौन संक्रमण है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये ब्लीडिंग को भी रोकता है, इसलिए अगर ओवर ब्लीडिंग की समस्या है महिलाओं में, इसमें भी दूसरे वनस्पतियों के साथ इसका सेवन करना चाहिए, तो उससे बहुत ही ब्लीडिंग जो है वो तुरंत काबू में आ जाता है। इसके वैसे अनगिनत फायदे हैं, और ये जैसे गले के विकारों में भी, खांसी में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये ऐसी वनस्पति है जो कि अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया जैसी है, इसके अनगिनत फायदे हैं जो डिटेल में मैं आपको किसी दूसरे एपिसोड में मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो इसका सेवन आप वैसे आराम से कर सकते हैं, इसका एक पत्ता पहले खाइए, एक या आधा पत्ता खाइए और शुरुआत कीजिए, और देखिए आप, हर एक बॉडी अलग होती है, धीरे धीरे आपको किसी भी वनस्पति का सेवन करना चाहिए और धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाना चाहिए, पहले ही दिन एकदम से ज़्यादा खाना शुरू ना करें कोई भी वीडियो देख करके। और कोई भी वनस्पति का अगर आप सेवन करते हैं तो पहले एक बार आपके वैद्य की सलाह ज़रूर लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड तक मुझे आज्ञा दीजिए। बाय।